खबर महोबा से। महोबा जिले में पाठशाला को गौशाला में परिवर्तन होने का एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है। यहाँ सैकड़ों गायें किसी गौशाला में नहीं बल्कि प्राथमिक विद्यालय में है। इनके यहाँ होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बुंदेलखंड का किसान सूखा और उसके बाद अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के विभीषिका झेल चुके किसान अब अन्ना गायों के आतंक से जूझ रहे हैं। दिन रात गाँव में घूम रहे अन्ना जानवर खेतों में घुसकर भारी भरकम क्षेत्र में बोई की फसलों को चंद समय में चट कर जाते हैं, जिससे किसानों को खासी चपत लग रही है। किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए सैकड़ा भर से अधिक अन्ना जानवरों को पाठशाला में बंद कर दिया और स्कूल से बाहर से ताला लगा दिया। छात्रों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों से बच्चों ने समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। जानकारी पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा समझाने के लाख प्रयासों के बाद भी ग्रामवासी उच्चाधिकारियों की आने की मांग पर अड़े रहे। जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते ही SDM को तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। निस्तारांतरण के लिए पहुंचे SDM सदर देवेंद्र सिंह ने विद्यालय से अन्ना जानवरों को बाहर निकलवा कर अस्थायी गौशाला में बंद कर तत्काल स्थायी गौशाला निर्माण का कार्य करने के आदेश दिए। महोबा से नादिर खान की रिपोर्ट। ये समस्या वहाँ पे थी और वहाँ पे विद्यालय का जो मैदान था उसमें कुछ गायें वहाँ पे लोगों ने इकट्ठे की, हमने इनको तत्काल भेजा और उस समस्या का समाधान कराया। गायें जो गौशाला बन रही उसमें रहेंगे। इस तरीके की घटना ना हो ये मैंने सुनिश्चित करने के लिए BDO को भी कहा था और ग्राम प्रधान को भी कहा, और जो लोग इस तरीके की घटना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम लोग को बोला कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।